तो हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाया था जिससे आप फायर के अलार्म को बना सकते हो और उसी के साथ साथ उससे पंप वगैरह भी चला सकते हो, लेकिन वो वीडियो में थोड़ा सर्किट जो था वो बड़ा था, दो रिले का यूज हुआ था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सर्किट बना के दिखाऊंगा जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है और बहुत ही कम कॉम्पोनेंट्स को यूज करके बनाया, और उसी के साथ साथ आप इसमें फ्लेम सेंसर के साथ और भी सेंसर को अटैच कर सकते हो। तो इसे कैसे बनाना है उसकी सारी डिटेल वीडियो में दिखाई, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय JLCPCB जो कि चाइना की फास्टेस्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वहां से आप अपने पीसीबी प्रोटोटाइपिंग को काफी कम रेट में प्रिंट करा सकते हो। पीसीबी को प्रिंट कराना बेहद ही आसान है, सिंपली अपनी गर्वर फाइल को वहां अपलोड करना है, कुछ डिटेल्स को फिल करना है। डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आपको अपना एड्रेस वगैरह फिल करके पेमेंट मेथड को देख के चेकआउट कर देना है और 15 to 60 डे के अंदर आपको आपका पीसीबी रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो प्रोजेक्ट का पीसीबी है वो कितना फाइन लुक दे रहा है, और मैंने इसे रेड कलर में प्रिंट कराया था, और साइज आप देख सकते हो कितने स्मॉल साइज में प्रिंट होकर आया है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट हमने इसमें यूज किया। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है एक 5 वोल्ट का रिले, एक 1N4007 डायोड, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, एक 547 ट्रांजिस्टर, 2 LEDs, एक फीमेल पिन हेडर और एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक। तो एज यूजुअल सबसे पहले मैं अपने सभी कंपोनेंट्स को पीसीबी पर लगाकर अच्छी तरह से सोल्डर कर लूंगा और उसके एक्सेस वायर को भी रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो बन के कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हो कितना फाइनेस्ट लुक ये दे रहा है और कितना स्मॉल साइज है। मैं इसे अपने हाथ के मुट्ठी के अंदर भी बंद करके आपको दिखा रहा हूँ उसका स्मॉल साइज कितना है, और यार बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से आप इसे कहीं भी इजिली फिट कर सकते हो। तो चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा आपको फीमेल पिन हेडर दिख रहा होगा जहां पर हम अपना IR सेंसर को कनेक्ट करेंगे, और उसमें 2 LEDs लगी हुई है ग्रीन और रेड कलर की, एक पावर को दिखाएगी और दूसरे दिखाएगी कि हमारा सर्किट में बाहर आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। और कोई भी एसी के अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए एक 5 वोल्ट की रिले का यूज किया है, और एसी के वायर्स को कनेक्ट करने के लिए एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक का यूज किया हुआ है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट किस काम के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल है वो बनके हो चुका है तैयार, जिसमें हमने रिले और काफी सारे कंपोनेंट्स को लगा लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जो था इसमें एक फीमेल पिन हेडर डाला है जिससे हमने सेंसर्स को इसमें लगा सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप इसका सेंसर नहीं फिट होता है तो आप जम्पर वायर का यूज करके भी अपने सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने जो इसके आउटपुट पर है एक 9 वोल्ट की बैटरी का क्लिप लगा दिया है, क्योंकि मैं इसे 9 वोल्ट की बैटरी से चलाना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसमें 5 वोल्ट का इनपुट भी दे सकते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक इजीली वर्क कर जाएगा। तो चलिए अब इसमें अपने जो सेंसर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फ्लेम सेंसर का, क्योंकि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जैसे कोई भी आग लगेगी हमारा जो अलार्म है वो बच जाएगा, या हमारा बल्ब जल जाएगा, या मोटर जल जाएगा, इस टाइप से। तो ये है फ्लेम सेंसर जिसमें 4 पिन होती है, लेकिन हमें सिर्फ 3 का ही जरूरत पड़ेगी, पॉजिटिव, निगेटिव और आउटपुट की। तो मैं यहाँ पर 3 जम्पर वायर्स का यूज कर रहा हूँ जो कि मैं सेंसर की पॉजिटिव, निगेटिव और आउटपुट सिग्नल को लेकर के अपने रिले मॉड्यूल के पॉजिटिव, निगेटिव और इनपुट सिग्नल के साथ इजिली कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्शन बहुत ही आसान है, और इन कनेक्शंस को करते ही अपना सर्किट कंप्लीट है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे हमारा मॉड्यूल और हमारा जो सेंसर है दोनों में ही पावर आ जाएगी और वो रेडी टू यूज हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें इसमें एक लोड कनेक्ट करना है जो भी आप इससे चलाना चाहते हो, जैसे वाटर पंप, LED बल्ब या कुछ भी। तो मैं यहाँ पर एक LED बल्ब आपको चला के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बैटरी को डिसकनेक्ट कर देता हूँ, और मैं इस सेट का यूज कर रहा हूँ जिसमें मैंने एक वायर को कट कर लिया है जो मेरे बल्ब तक जा रहा था। तो मैं इसके सिंपल जो कटे हुए वायर है वो अपने रिले के साथ इजिली कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सारा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है, अब बारी है इसके डेमोन्स्ट्रेशन की। तो जैसे ही मैं एक माचिस की तिल्ली को जलाकर अपने मॉड्यूल या सेंसर के आगे ले जा रहा हूँ जो इसकी LED होती है उसके आगे, तो हमारा जो बल्ब था वो इजिली ग्लो कर जा रहा है और वापस हटाने पर फिर से बंद हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी लोड को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे वाटर पंप, मोटर, LED, कुछ भी चीज यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हो। तो यार पिछले वाले सर्किट से बहुत ही छोटा सर्किट मैंने मॉडिफाई करके बनाया है, और आप इसमें वेरियस टाइप के सेंसर लगा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर आपको
आपको बहुत ही चीप रेट में पीसीबी को परचेज करना है तो आप अपने पीसीबी को प्रिंट करा सकते हो JLCPCB से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे उनके वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और पीसीबी को ऑर्डर करना बेहद ही आसान है। जो भी चाहिए आप अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हो, वहां से उसकी डायमेंशन वगैरह को सेट करके अपना चेकआउट कर देना है, एड्रेस वगैरह फिल करके, और ऑर्डर प्लेस करने के 9 से 10 दिन के अंदर आपको आपका पीसीबी रिसीव हो जाए। तो एक बार से विजिट करके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।